कोयला कढ़ाई बना रहे हैं, तो भाई से पूछते हैं यार हमें कोयला कढ़ाई बड़ी पसंद होती है, भाई से पूछते हैं कि क्या क्या करेंगे कोयला कढ़ाई पे। भाई बता सकते हैं क्या क्या करेंगे आप इससे? कोयला कढ़ाई के लिए भाई पहले कोयले के ऊपर जो है उसको गर्म करना पड़ेगा, उसके बाद जो मुर्गी है उसको वाश करना पड़ेगा, फिर इसमें डालना पड़ेगा, उसके बाद आपका नमक जाएगा, फिर ये रोस्ट होगा, रोस्ट होने के बाद टमाटर वगैरह मसाले डाल पड़ेंगे। ठीक है आप बनाएं हम दिखाते जाएंगे। ये टमाटर लेकर आए जाएगी कोयले पे, अब जाएगी कोयले पे। तो गाइस हमारी वो कढ़ाई वहां पे बन रही थी, बन रही है कोयले पे बन रही है, भाई ने पहले उसे पकाया वहाँ पे गैस पे चूल्हे पे, अभी भाई को हमने ऑर्डर किया था कोयले के लिए, तो अभी भाई ने कोयले पे वो रख दिए, तैयार हो जाए कोयले पे पड़ी है। ये भाई मसाले मिक्स कर रहे हैं उसमें, टमाटर डाल दिए, मिर्चे डाल दिए, भाई मसाले मिक्स कर रहे हैं हमारी कढ़ाई में। एक लिया बेटा जल्दी कर फटाफट कर आर्डर, टाइम नहीं लगा। सही मिक्स उसका ये हो गई फाइनल, फाइनल हो गई। अच्छा कोयले का दम लगेगा उसके बाद क्या? अच्छा कोयला अंदर नहीं डलता वो जो कपड़े, कोयला अंदर लगेगा है ना, वही दम उसको कहते हैं कोयले का। हाँ वही कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक दफ़ा हमने घर में बनाई थी ऐसा ही बनाई थी, वो अंदर कोयला उसके रखे थे। हाँ अंदर डालने से वो जायका आ जाता ना कोयले का, हाँ उसको कहते हैं कोयला दम, दम लग जाता कोयला। आ गई हमारी, तो अभी हम ट्राई कर रहे हैं इसे। यार ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह। तो इस व्लॉग की हम यहीं पेमिंग करते हैं, कढ़ाई दिखाई और हमने अभी खा रहे हैं और वैसे ज़बरदस्त बनी। तो अगर मेरा YouTube चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बाय बाय।